हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2022 रिलीज्ड हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में, जिसका नाम है द वाइट ड्रेस। ये कहानी स्टार्ट होती है एक फेमस विंटेज क्लोथिंग स्टोर से, जहां कई तरह के कई डिफरेंट टाइम पीरियड के यूजेबल गारमेंट्स बिकती हैं। वहां एक दिन एक रेचल नाम की लड़की आती है अपने लिए प्रॉम ड्रेस ढूंढने। उसके साथ उसकी एक दोस्त लिया भी आई थी। अब इस दुकान में सामान तो बहुत सारे थे, बहुत ही प्रीटी ड्रेसेस, ज्वेलरी, एक्सेसरीज, लेकिन विंटेज होने के कारण इनकी कीमत काफी ज्यादा थी, उनके बजट से बाहर। तो पसंद आने पर भी लिया और रेचल कुछ खरीद नहीं पाते। एक्चुअली रेचल को पहले से ही पता था यहाँ उनके बजट में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी वो आई थी क्योंकि उसे पता था वो अपने जिस क्लासमेट को लाइक करती है जेनी, वो यहाँ आने वाली है। बीइंग एन इनसिक्योर इंट्रोवर्ट, उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई सामने से जाकर बात करने की, तो ऐसे ही कभी कभी छुप छुप के उसे देख लेती है। और प्रॉम के लिए वो जो इतनी तैयारियां कर रही है, उसका कारण भी तो वही है। रेचल को पता था जेनी को विंटेज क्लोथिंग पसंद है, तो वो उसे इम्प्रेस करना चाहती थी, मगर अब तो लग रहा है उसे मॉल से कुछ खरीदना पड़ेगा। बैड लक। वो लोग जब दुकान से खाली हाथ ही निकल रहे थे कि अचानक ही रेचल की नजर पड़ती है एक वाइट ड्रेस की तरफ, और देखते ही उसका दिल आ जाता है, उसे तो यही चाहिए। ट्राई करने पर उसे साइज भी बिल्कुल परफेक्ट मिलता है। वाकई काफी खूबसूरत लग रही थी रेचल, जिसे देखकर जेनी भी उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। अब तो उसे ये ड्रेस लेना ही होगा, मगर कैसे, उसके पास तो इतना पैसा है ही नहीं। ऐसे में लिया उसकी मदद करती है और रेचल वो ड्रेस खरीद पाती है। बहुत खुश थी वो, घर जाके भी काफी समय तक आईने के सामने खुद को घूरती रहती है। तभी एक वियर्ड स्मेल आती है उसको, एक बहुत ही घिनौनी बदबू जो उस ड्रेस से आ रही थी। और तो और रेचल को उस पर एक काला धब्बा भी नजर आता है। इनमें से कुछ भी उसने पहले नोटिस नहीं किया था, पता नहीं अचानक कहां से आ गई। वो लिया से भी पूछती है, मगर उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रेचल को काफी अजीब लगता है, मगर वो उतना ध्यान नहीं देती, ड्रेस को क्लीन करती है और अपने काम में बिजी हो जाती है। मगर इसी बीच एक और अजीब हादसा होता है उसके साथ। उसे अपना लैपटॉप का चार्जर नहीं मिल रहा था। उसे याद आता है वो शायद बेड के नीचे होगा, तो वो वहां चेक करती है। वहां उसे चार्जर तो मिल जाता है, लेकिन साथ में कुछ और भी दिखते हैं। किसी के पैर, एज इफ बिस्तर के उस तरफ कोई खड़ा है। डर से रेचल की हालत खराब हो जाती है। वो झट से टर्न करती है देखने के लिए, मगर कमरे में तो उसे कोई नहीं दिखता, वहां तो बस वो ड्रेस लटक रहा था। तो क्या उसने हेल्यूसिनेट किया? मे बी। रात होते ही रेचल उस ड्रेस को क्लोजेट के अंदर रख के सो जाती है, मगर कमरे में अंधेरा होते ही अजीब से एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं उसके साथ। फर्स्टली क्लोजेट का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उसे ऐसा फील होता है कि अंदर अंधेरे में कोई है, उसी की तरफ देख रहा है। झट से लाइट्स ऑन कर देती है रेचल, मगर फिर से उसे कोई नहीं दिखता, बस क्लोजेट का दरवाजा खुला था। उसे लगता है जरूर वो ड्रेस अंदर फिट नहीं हो रहा होगा, तो वो उसे बाहर मिरर के सामने हैंग कर देती है। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा और भी ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस होता है रेचल को। इस बार उसे लगता है कि वो ड्रेस खुद चलकर उसके तरफ आ रहा है। लाइट ऑन करने के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल तो हो जाता है, लेकिन उसे वो ड्रेस मिलता है जमीन के ऊपर, वो भी मिरर से काफी दूर। ये कैसे पॉसिबल है? क्या वो ड्रेस सच में चल रहा था? रेचल को काफी डर लगने लगता है, तो वो ड्रेस को रूम से बाहर लिविंग रूम में रखकर आती है। उसे लगा कि ऐसे वो सेफ रहेगी, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आकर दरवाजा बंद करती है, पीछे से कोई दस्तक देता है दरवाजे पर। डर से कांपते कांपते दरवाजा खोलती है रेचल, और बाहर उसे एक लड़की दिखती है जो वही वाइट ड्रेस पहन के घर में घूम रही थी। रेचल समझ नहीं पाती क्या ये उसकी मॉम है। वो जोर जोर से उन्हें बुलाने लगती है, जिसका जवाब आता है दूसरे कमरे से, उसकी माँ तो सो रही थी। उन्हें वो ड्रेस जमीन पर पड़ा मिलता है,
जिसे वो उठाकर रख देती है और रेचल को सोने के लिए कहती है। बाकी रात और कुछ नहीं होता, हुआ भी होगा तो रेचल को याद नहीं। बस अगली सुबह जब वो नींद से जागती है, वो देखती है उसने वही ड्रेस पहन रखी है। लेकिन कल रात कब उसने ड्रेस चेंज किया उसे कुछ भी याद नहीं। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा पेल भी दिख रही थी, काफी वीक फील कर रही थी वो। अचानक से उसके पेट में बहुत तेज पेन होने लगता है और चेक करने पर उसे पता चलता है वहां कुछ ब्लैक मार्क्स बन चुके हैं, पता नहीं कैसे। वो लिया से भी शेयर करती है इस बारे में और लिया को लगता है या तो उस ड्रेस का फिटिंग काफी टाइट है या तो रेचल रात में स्लिप वॉकिंग कर रही होगी, जरूर कहीं पर धक्का लगा होगा। बातों बातों में रेचल की नजर पड़ती है एक फोटो के तरफ। वहां एक लड़की ने एग्जैक्टली वही ड्रेस पहनी थी। लिया बताती है ये उनकी सीनियर थी, लास्ट ईयर प्रॉम क्वीन बनी थी और उसी रात उसकी बेमौत मौत हो गई इसी स्कूल में, कैसे किसी को नहीं पता। रेचल को कुछ ठीक नहीं लगता, कल रात से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। लिया उसे इस ड्रेस को रिटर्न करने के लिए कहती है, प्रॉम के लिए कुछ और जुगाड़ हो जाएगा। रेचल वही करती है लेकिन दुकान पे जाने पर उसे पता चलता है वहां रिटर्न्स एक्सेप्टेबल नहीं है। तो रेचल उस शॉपकीपर से ये जानने की कोशिश करती है कि उन्हें ये ड्रेस कहां से मिला, लेकिन वो लेडी कुछ भी बताने से इनकार करती है, ये उनके दुकान के पॉलिसी के खिलाफ है। रेचल भी हार नहीं मानती, पता नहीं अचानक उसे क्या हो जाता है, वो बहुत अग्रेसिवली उस लेडी का हाथ खींचने लगती है। वो लेडी डर जाती है, वो और बहस करना नहीं चाहती थी तो वो एक कागज पर एक आदमी का नाम लिख देती है और रेचल को दुकान से भगा देती है। जब तक वो घर पहुंचती है उस पूरे ड्रेस पे काले धब्बे बन चुके थे जो काफी गंदा लग रहा था, तो रेचल जल्दी से उसे वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती है क्लीन करने के लिए। मगर जैसे ही वो डिटर्जेंट लाने जाती है वो ड्रेस गायब हो जाता है। मशीन के अंदर दिखाई देता है किसी का हाथ और रेचल को फील होता है कोई वो ड्रेस पहनकर उसके पीछे खड़ा है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं था, वो ड्रेस मशीन के अंदर ही था। तो क्या इतना सब कुछ रेचल इमेजिन कर रही थी? सब कुछ इतना तेजी से हो रहा था कि उसे कुछ समझने का वक्त नहीं मिला, बस वो इतना समझ चुकी थी कि स्ट्रेस में कुछ गड़बड़ है। वो ऑनलाइन उस लड़की के बारे में सर्च करती है, दी प्रॉम क्वीन, जिसकी फोटो उसने स्कूल में देखी थी। रेचल को पता चलता है उस लड़की की मौत असल में पॉइजन के वजह से हुई थी, लेकिन वो पॉइजन कहाँ से आया वो अभी तक अनडिटेक्टेड है। रेचल उस ड्रेस का सोर्स भी ढूंढ निकालती है। उस शॉपकीपर ने उसे किसी मार्कस मूर का नाम लिख कर दिया था जो असल में एक मोर्टिशियन है और वो जिस मॉर्चुअरी में काम करता है वो भी पास में ही है। तो रेचल उसका एड्रेस पता करके उसी रात मार्कस से मिलने जाती है। ऑलरेडी वो काफी घबराई हुई थी, ऊपर से मॉर्चुअरी का सन्नाटा उसे और डरा रहा था, समझ नहीं पा रही थी उसे किस तरफ जाना चाहिए। तो वो चिल्ला चिल्ला कर मार्कस को बुलाने लगती है, उसे जवाब भी मिलता है एक अंधेरे कमरे में से, मार्कस उसे उसी तरफ बुला रहा था। कमरे के अंदर जाने पर रेचल को कोई दिखता तो नहीं, बस आवाज सुनाई देती है ऐसे कोई अंधेरे कोने में रहकर ही उससे बात करना चाहता था। रेचल भी उसे रिप्लाई देती है, लेकिन जैसे लाइट्स ऑन होते हैं रेचल देखती है वह कोई नहीं है, बस एक लाश पड़ी है, एक बेजान लाश। असली मार्कस ने तो अभी कमरे में एंटर किया है, तो उससे बात कौन कर रहा था? रेचल काफी घबरा जाती है, फिर भी किसी तरह खुद को संभाल कर वो मार्कस से इस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है। तब तक वो ब्लैक स्पॉट मोल्ड की तरह पूरे ड्रेस पे फैल चुका था, लेकिन मार्कस को दिखाते वक्त ही वो सब गायब हो जाते हैं। सिचुएशन ऐसा बन चुका था कि मार्कस को लगने लगता है रेचल के मेंटल कंडीशन अनस्टेबल है। वैसे भी वो इस ड्रेस के बारे में कुछ बता नहीं पाते, तो रेचल भी वहां वक्त जाया नहीं करती। वो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड हो चुकी थी कि उसे अपने ऊपर ही शक होने लगता है, कहीं वो सच में पागल तो नहीं हो रही। वो घर वापस चली जाती है और इधर हमें मार्कस के काले करतूतों के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं
वो एक लाश को बोरियल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मगर जैसे ही उसका काम खत्म होता है, कॉफिन बंद करने से पहले वो उस लाश के शरीर से उसका कपड़ा निकाल लेता है और फिर उसे चादर से कवर करके कॉफिन बंद कर देता है। किसे पता चलेगा अंदर किसने क्या पहना है। उसका हेजिटेंट बिहेवियर से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि ऐसा काम वो पहली बार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस वाइट ड्रेस को भी उसने ऐसे ही किसी लाश के शरीर से उतारा था। कितना ही इनकार क्यों ना कर ले, वो उसके चेहरे से ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो झूठ कह रहा है। इस ड्रेस को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानता है और उसी के वजह से अभी बेचारी रेचल को भुगतना पड़ रहा है। हम देखते हैं उसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा विजिबल चेंज आया है। वो काफी अग्रेसिवली बिहेव करने लगी है, हर बात पे इरिटेटेड फील कर रही है, किसी से बात करने का मन भी नहीं है उसे। पिछले 2 दिन से ना उसने लिया का कोई कॉल रिसीव किया है, ना किसी भी मैसेज का जवाब दिया है, तो ऑब्वियसली लिया को टेंशन तो होगी ही, रेचल ने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो वो उसके घर आ जाती है उससे बात करने, लेकिन रेचल तो जैसे उसे सहन ही नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर ही भयानक तरीके से रिएक्ट करती है रेचल, उस पर चिल्लाती है, बहुत ही इंसल्टिंगली उसे जाने के लिए कह देती है। लिया को काफी खराब लगता है, वो और कुछ नहीं कहती, बस काफी रात हो चुकी थी इसीलिए मजबूरन उसे रेचल के घर रुकना पड़ता, नहीं तो वो तभी अपने घर वापस चली जाती। उधर रेचल भी रिपेंट कर रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने ऐसा बिहेव क्यों किया, क्यों इतना गुस्सा आ रहा है उसे। वो डिसाइड करती है कल सुबह ठंडे दिमाग से वो लिया से बात करेगी, माफी मांग लेगी उससे। कल प्रॉम है, जिस दिन के लिए वो पिछले कई हफ्तों से इतना ज्यादा एक्साइटेड थी, मगर आज वहां जाने का मन भी उसे नहीं कर रहा। अजीब सी बेचैनी है उसके मन में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे, लेकिन जेनी के लिए तो उसे जाना ही होगा। कल सुबह जल्दी उठेगी सोचकर वो रात को जल्दी सो जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। पूरी रात उसे अजीब से आवाजें सुनाई देती रहती है, उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेड पे कोई और भी है, उसके पास कोई और भी सो रहा है। एक बार नहीं, ऐसा कई बार होता है, बार बार होता है। रेचल लिटरली पैनिक करने लगी थी, डर से पत्थर बन चुकी थी वो, हिल तक नहीं पा रही थी। फाइनली जब हिम्मत जुटा के वो पीछे मुड़ती है, पहले तो कुछ नहीं दिखता, मगर उसके बाद अचानक से एक लड़की आ जाती है उसके सामने। उसने वही वाइट ड्रेस पहना था, बहुत ही भयानक था उसका चेहरा। अचानक ही वो रेचल पर हमला कर देती है और रेचल डर से चिल्लाने लगती है। फॉर्चुनेटली तब तक सुबह हो चुकी थी, तो घर में सभी जाग चुके थे, लिया भी। रेचल की आवाज से वो उसे बचाने भागती है। हम देखते हैं उस वाइट ड्रेस ने रेचल के फेस को कवर कर रखा था, उसे सफोकेट करने की कोशिश कर रहा था। रेचल खुद का आजाद नहीं कर पा रही थी। ऐसे में लिया उसकी मदद करती है और इस ड्रेस को तुरंत फेंकने के लिए कहती है। उसे रियलाइज हो चुका था इस ड्रेस पे कुछ तो गड़बड़ है, रेचल में ये बदलाव इसी की वजह से हो रहे हैं। लेकिन रेचल उसके बातों पे बहुत ही बुरी तरीके से रिएक्ट करती है। उसे लगता है लिया उससे जेलस है, वो नहीं चाहती रेचल प्रॉम पे अच्छी दिखे, जेनी उससे इंप्रेस्ड हो जाए। उसे क्या पता आज का दिन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत खरी खोटी सुनाती है वो लिया को, मगर कुछ देर बाद उसका गुस्सा शांत होते ही उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो लिया से माफी मांग लेती है। आज उसे लिया की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बस वो ही तो है जो उसे समझती है, उसके ट्रू फीलिंग्स को जानती है। पता नहीं क्यों उसे ही बार बार इंसल्ट कर रही है वो। रात होते ही रेचल उस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन आज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही थी, जिंदा लाश दिख रही थी वो। उसका स्किन पीला पड़ चुका था, बिल्कुल कलरलेस, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, बिखरे हुए बाल, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में कोई खून ही नहीं बचा, उसकी जगह एक काले रंग की लिक्विड बह रही है उसके रगों में, बहुत ही बीमार दिख रही थी वो। लिया को उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती, वो उसे बार बार रेस्ट लेने के लिए कहती है, एटलीस्ट कुछ देर के लिए,
मगर रेचल नहीं रुकती। वो भागती है स्कूल की तरफ जेनी से मिलने, और जेनी उसे देखकर लिटरली डर जाती है। स्कूल में सभी उसे घूर रहे थे, इतना भयानक दिख रही थी वो। अचानक उसे उल्टी आने लगती है तो रेचल वॉशरूम की तरफ भागती है, और वहां आईने पे खुद को देखकर वो खुद भी डर जाती है। खुद को ही पहचान नहीं पा रही थी वो। बहुत कोशिश करती है ड्रेस को निकालने की, मगर ठीक तभी आईने के उस पार से वही भयानक चेहरा उस पर हमला कर देता है। नाक से काले रंग का खून बहने लगता है रेचल का। उसे आवाज आती है, कोई उसे बुला रहा था, मगर ये वही आत्मा थी जो फिर से एक बार रेचल को मारने की कोशिश करती है। उसका गला दबाकर उसे चोक करने लगती है, लेकिन इस बार रेचल भी उसे नहीं छोड़ती, पूरे जी जान से उससे लड़ने लगती है और एक पॉइंट पे उसे मार भी डालती है। लेकिन ठीक उसके बाद ही उसे एहसास होता है, ये तो लिया है, कोई आत्मा नहीं। वो जरूर रेचल को संभालने आई होगी और रेचल ने उसे ही मार डाला। बहुत दुख होता है उसे, वो रोने लगती है, मगर ज्यादा देर नहीं। इसके कुछ मिनट बाद ही रेचल को भी चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। एट द एंडिंग सीन हमें पता चलता है रेचल के लाश को भी उसी मॉर्चुअरी में भेजा गया है जहां मार्कस काम करता है। उसके और उसके असिस्टेंट के बातचीत से हमें पता चलता है रेचल की मौत पॉइजनिंग से हुई है, एम्बामिंग फ्लूइड से जो उसके स्किन के थ्रू शरीर में घुसा था। उसकी मौत काफी दर्दनाक रही, पॉइजनिंग की वजह से वो हैलुसिनेट कर रही थी और इसीलिए वैसा बिहेव कर रही थी। लेकिन वो फ्लूइड उसके कॉन्टैक्ट में कैसे आया, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, या फिर था। मार्कस को सब कुछ पता था, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे क्योंकि उससे तो उसका भांडा फूट जाएगा ना, लोगों को पता चल जाएगा वो लाशों के साथ क्या करते हैं। इस बार भी अपने असिस्टेंट के जाते ही रेचल के साथ भी वो वही करते हैं, उसका ड्रेस निकाल लेते हैं और फिर अच्छे से पैक करके एक विंटेज शॉप में भेज देते हैं बेचने के लिए। ये उसका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है। पता नहीं ऐसे कितने पैसे कमाए हैं उसने। जनरली ऐसे ड्रेसेस काफी कीमती होते हैं तो इन्हें बेचकर अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाती है, ना किसी को पता चलता है ना कोई शक करता है। उसके अकॉर्डिंग इन मुर्दों को कुछ भी पहना उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फालतू में वेस्ट क्यों करना। स्पेशली इस व्हाइट ड्रेस को तो उसने 3 बार बेचा है, ड्रेस ऑलरेडी काफी पुरानी थी, ऊपर से बार बार एम्बामिंग प्रोसेस से गुजरने के कारण ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी। अनजाने में पहले रेचल की सीनियर ने, उसके बाद खुद रेचल ने इसका शिकार बन गई। मार्कस को सब पता था, उसे पता था उसके वजह से ये मौतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका। लेकिन जो उसे पता नहीं था वो ये था कि इस ड्रेस से एक आत्मा भी जुड़ चुकी है, एक वेंजफुल स्पिरिट, जो भी उसे पहनेगा वो उसे हॉन्ट करेगी, ये अश्योर करेगी कि उसे उतनी ही दर्दनाक मौत मिल रही है जैसा उसे मिली थी। हमें नहीं पता ये स्पिरिट किसकी है, उस प्रॉम क्वीन की या फिर इस ड्रेस के असली मालकिन की। जिसकी भी हो, मुझे उसका रिवेंज लेने का तरीका जस्टिफाइड नहीं लगता। इस ड्रेस को पहनने वालों का क्या कसूर, असली गिल्टी तो मार्कस है। अगर उसे बदला लेना ही था तो मार्कस से लेना चाहिए था ना। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मार्कस को कभी इसकी सजा मिलेगी, या वो अपना ये काम कंटिन्यू करता रहेगा और ये ड्रेस एक के बाद एक इनोसेंट लोगों की जान लेती रहेगी। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।